मैं बुलंद हौसले वाला एक जिद्दी सा शख्स जब तेरी याद से लड़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे कैपकट में उर्दू पोट्री वाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वाली। तो इसके लिए आपको कैपकट ओपन कर लेनी है। कैपकट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने वीडियो कोई भी आपके पास वीडियो है या फोटो है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ से वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ। यहाँ से मैं कैपकट का लोगो है यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे ओवरले लिखा हुआ है, ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो जो है आपके पास पड़ी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लेंथ यहाँ पे बड़ी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने यहाँ पे फिर प्लस का आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा हो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर वो यही वाली आपने वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अपने यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट कर देना है। यहाँ से मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करके यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये बराबर आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे नीचे आपने आगे चल जाना है कैट के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्रोमा के लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह थोड़ा सा घुमा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने इस तरह से कर लेना है, इंटेंसिटी सी कम कर लेनी है। यहाँ से इसका आपने शेडो भी थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद आप जिस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो तैयार हो गई है। उसके बाद यहाँ से आपने रेजोल्यूशन वगैरह क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से वीडियो को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है।